और सर को झुका के इलू इलू सदा बोलते थे, दीवारों से खुद का ही माथा फोड़ रहे हैं। और कहते थे चांद और सितारे तोड़ लाएंगे जो, वो जंगलों में जाके आज ही झाड़ा तोड़ रहे हैं। तीजा पुत्र हुआ तो वो मुझसे झगड़ पड़े, इसके नाम के पीछे भी बीन रख दीजिए। मैं बोला एक का नबीन, दूसरे का है प्रवीन, तीसरे का नाम सोयाबीन रख दीजिए। इस विशाल वृहद कवि सम्मेलन का हम प्रारंभ करते हैं। आज अनंत चतुर्दशी है, रोड पे कई गाड़ियां इधर उधर खड़ी हुई है, इसलिए आप लोग भी समय पे नहीं आ पाए गणेश जी का विसर्जन करने के लिए। पुल से हम अभी निकले हैं, इधर से जो एक होटल के पास रास्ता बाईपास निकलता है इंदौर तरफ जाते हैं, तो टोल टैक्स पे पूछा था मैंने कि यार वो हमको कालिदास अकादमी जाना है। बोले कालिदास की यहाँ नहीं है, इंदौर में है। मैंने कि तू चुप रहे, अब दिमाग खराब मत। तब से मैं टेंशन में हूं, है ना। तो हम इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करना चाहते हैं, आनंद आएगा। बिखरे कपास को सूत कर दूं, बिखरे हुए कपास को सूत कर दूं, कविता की डोर को मजबूत कर दूं और सफल हो जाएगा ये यज्ञ मां शारदे का। कुलदीप चला तुझे ही आहूत कर दूं। जोरदार तालियां कुलदीप रंगीला देवास से हमारे बीच। ओ मित्रों, मेरा तो नाम ही रंगीला, ये कवि मित्र मेरे को प्रेम से बोलते हैं रंगीला। और साहब मेरे साथ घटनाएं ही ऐसी होती है, अब जितनी देर मैं आपके बीच में रहूँगा आपको केवल मस्ती के मूड में रहना, आप अपने आप को बच्चा समझो, क्योंकि दो साल हमने जो है सहे हैं और इतनी पीड़ाएं हमने झेली है साहब। स्थितियाँ ये थी, पहली बार लॉकडाउन लगा, फिर दूसरी बार लगा, पहली बार लॉकडाउन लगा तो कहीं सुनामी, कहीं तूफान, कहीं टिड्डियाँ। एक टिड्डी का दल मेरी छत पे से गुजरा था, एक टिड्डी आकर मेरे कंधे पर बैठ गई। मैंने उस टिड्डी को उठाया तो मेरे को देख के हंसने लगी। मैंने कहा हंस क्यों रही है? बोले देखो हमारे कुनबे को हम एक घंटे में फसल नष्ट कर देते हैं और तुमको देखो घर के अंदर कैद। तो चार पंक्तियां मैंने उस टिड्डी को कही, वहीं से अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूँ। अगर आपके हृदय पटल तक पहुँच जाऊँ तो मेरे मुक्तक मेरी इन पंक्तियों के बाद आपकी तालियां बताएगी कि मुझे आपके बीच में कितना देर खड़ा रहना है। साहब टिड्डी को देखकर मैंने चार पंक्तियां कही कि अपनी अदा थी अपने अपने मूड में घूमा करते थे। अरे अपनी अदा थी अपने अपने मूड में घूमा करते थे, कभी हवा में कभी तीर्थ के कुंड में घूमा करते थे। और अपने कुनबे पर इतना अभिमान करो ना टिड्डी दल, अरे कुछ महीने पहले हम सब भी झुंड में घूमा करते थे। कुछ महीने पहले हम सब भी झुंड में घूमा करते थे। साहब हमने कभी सुना नहीं था सैनिटाइजर जो हर व्यक्ति की जेब में फंसा है। सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन में हमारे मोहल्ले में एक लड़की भाग गई, दो दिन बाद उसने पिताजी को फोन लगाया, बोले पापा मैं मोहल्ले के रमेश के साथ भाग गई, मेरे लिए कुछ आदेश? बोले हाँ है ना आदेश। बोले क्या आदेश? बोले अब सोशल डिस्टेंसिंग रखना। ये दो चार ने ताली बजे, वो भी नहीं बजाते तो काम चल जाता है। कोई साहब बड़ा श्रेष्ठ मंच है, देश के बड़े संचालक हमारे नागर जी हमारे बीच में संचालन कर रहे हैं, इन्हें प्रणाम करता हूँ। दिग्गज जी बैठे हैं साहब, दिग्गज जी मेरे बड़े भाई, वो शख्स हैं जिन्होंने कुलदीप को पहला मंच पढ़ाया था। और साहब मेरी काव्य यात्रा को लगभग 15 वर्ष हो गए हैं, पहला मंच इन्होंने मुझे पढ़ाया। और मुझे तो मालूम नहीं था कि कविता क्या होती है, दिग्गज जी वो शख्स हैं जिनने कुलदीप को कविता लिखने का तरीका बताया, इन्होंने बताया कि छंद क्या होते हैं, अलंकार क्या होते हैं। दिग्गज जी उस व्यक्ति का नाम है जिनने कुलदीप को कविता लिखने का तरीका सिखाया, दिग्गज जी वो इंसान है जिनने कुलदीप को कविता पढ़ने का सलीका सिखाया। और आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये कुलदीप रंगीला जो कुछ भी है साहब, वो सिर्फ खुद की बदौलत है। सही है बेटा। नहीं ये सच्चाई है साहब, हम क्या केवल मस्ती में जीते हैं। अभी तो बताया कि आदरणीय गुरुदेव ने बताया कि बोले दो साल से फुर्सत में हालत ये हो गई कि पहले हम कवि सम्मेलन एक कराते थे तो 10 कवियों के फोन आ जाते थे कि हमको बुलाओ हमको बुलाओ हमको बुलाओ। आज अगर हम कवि सम्मेलन करते हैं और फोन लगाते तो सब मना करते कि हमको नहीं आना। मैंने कहा क्यों नहीं आना? क्योंकि सब काम धंधे में लग गए, एक नीमच में सेव मिक्सचर बेच रहा है।
70 रुपए की थैली खरीद के ढाबे पे 100 रुपए में बेच रहा है, एक आगरा से जूते ला के परासिया में बेच रहा है। ये हालत हो गई राष्ट्रीय स्तर के कवियों की साहब, ये सच्चाई है। राष्ट्रीय स्तर के कवि कौन होते हैं मैं बताना चाहता हूँ कि आज से अभी एक महीने पहले हमको जो है कवि सम्मेलन में जाना था अवध नागदा जंक्शन से, हमारी ट्रेन थी 4:10 पे, 4:10 पे नागदा से हमको ट्रेन पकड़नी थी। रिजर्वेशन मेरा था नहीं, मैं साथ में अतुल ज्वाला जी हम दोनों थे। ट्रेन जैसे आई नागदा जंक्शन के प्लेटफार्म पे हम खड़े, और आपको मालूम है नागदा जंक्शन कौन है? नागदा जंक्शन माइकल जंक्शन का छोटा भाई है। वहाँ से हमको ट्रेन पकड़नी, ट्रेन जैसे ही सबसे पहले मैं घुसा, मेरे पीछे अतुल ज्वाला जी, पीछे से धक्का आया, इनने वही धक्का मेरे को फॉरवर्ड किया, मैंने आगे वाले को फॉरवर्ड किया, तो आगे वाला पलट के बोला कि भैया जरा ढंग से खड़ा रहे। मैंने कहा मैं तो ढंग से ही खड़ा हूँ, पर शायद तुमको जानकारी नहीं है हम राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। लेकिन साहब उसने जो बात कही, अगर वो बात आप तक पहुंच जाए तो हिंदुस्तान के पूरे 2375 राष्ट्रीय स्तर के कवियों के सम्मान में ठोक देना। उसने कहा जरा ढंग से खड़ा रहे। मैंने कहा मैं तो ढंग से ही खड़ा हूँ, पर शायद आपको जानकारी नहीं है मैं राष्ट्रीय स्तर का कवि हूँ। तो वो कहने लगा कि राष्ट्रीय स्तर का कवि है तो क्या छाती पे चढ़ेगा? मतलब ऐसी पीड़ाएं हम, ऐसी पीड़ाएं हम कवियों को भोगना पड़ती है साहब। स्थितियां ये हो गई, एक दानपुर कवि सम्मेलन में गए हम, आयोजक का नाम था प्रेमनाथ तिवारी, और सर्किट जी तिवारी जी ने आयोजन इसलिए करवाया क्योंकि उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पर कवि सम्मेलन के पहले तिवारी जी ने थोड़ी सी लगा ली, मंच पर आ गए, आकर के घोषणा कर दी कि कवियों को पेमेंट जब ही मिलेगा जब वो मेरे पुत्र पे चार चार पंक्ति सुनाएंगे तो सारे कवि टेंशन में, सारे कवि टेंशन में, पेमेंट खतरे में फंसा, आप सारे काम छोड़ो ना, वो तिवारी जी के पिल्ले पे कविता पढ़ो। ऐसे बोले ब्राह्मणों को बेटा, राजपूत हो अब तिवारी जी के पिल्ले पे कविता पढ़ो। सारे कवि टेंशन में, पेमेंट को लेकर पेमेंट खतरे में फंसा, एक कवि बोला कि तिवारी जी का पुत्र डॉक्टर बनेगा, एक बोला इंजीनियर बनेगा। मित्रों 8 कवियों के बाद में मेरा नंबर आया, मैंने कहा तिवारी जी आपका पुत्र डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, परंतु मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आपका पुत्र क्या बनेगा, और उसको बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता। तो वो तिवारी जी टेंशन में आ गए। जो 4 पंक्ति तिवारी जी को सोपी, आप आनंद लेना, मस्ती के मूड में, आपकी तालियां मंच तक पहुंचती रहे, क्योंकि मैं इस कवि सम्मेलन का पहला कवि हूं। और जो पहला कवि होता है साहब वो होता भट्टी की जलेबी, मतलब हलवाई जलेबी बनाने के बाद क्या करता है कि पहली जलेबी को भट्टी में झोंक देता है। तो सारे कवि भी योजना बना के पहली जलेबी को भट्टी में झोंक देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो पहली जलेबी होती है वो आस्था की जलेबी होती है, विश्वास की जलेबी होती है, प्रेम की जलेबी होती है। बाबा सारी जलेबियों से अधिक उस जलेबी की वक्त होती है वो जलेबी भट्टी पे चढ़ती है, तब जाके धंधे में बरकत होती है। वो जलेबी भट्टी पे चढ़ती है तब जाके धंधे में बरकत होती है साहब। तब निवेदन कर देना चाहता हूँ कि तिवारी जी ने घोषणा कर दी कि पुत्र पे सुनाओ। सारे कवि शुरू, 8 कवियों के बाद में मैंने तिवारी जी से कहा कि तिवारी जी मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ कि आपका पुत्र क्या बनेगा, और उसको बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता। तो तिवारी जी टेंशन में, पंक्ति सुनिए साहब के घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा, एक बोला डॉक्टर, एक बोला इंजीनियर, एक कहने लगा अधिकारी बन जाएगा। तो मैं बोला ना डॉक्टर और ना ही इंजीनियर, ना कवि भारी ना पटवारी बन पाएगा। पापा जी तिवारी, इसके माता जी तिवारी, इसकी बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा। ये स्थितियां हो जाती है साहब। और मैंने क्या कहा, ये कवि मित्र मेरे को प्रेम से बोलते हैं रंगीला, और रंगीला बोलते हैं मेरी पीड़ा ये है कि नाम रंगीला पर ऊपर वाला मेरे को रंग देना ही भूल गया है। ये करने वाली जरूरत नहीं है साहब, मंच पे कुछ कवि ऐसे जिनको बाल देना ही भूल गया। हालांकि देखो मैं गंजों का बहुत सम्मान करता, मेरी कविता का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, पर फिर भी अगर किसी के निजी जीवन से मेल खाती है तो उसके लिए लेखक की कोई जवाबदारी भी नहीं है। बढ़िया है, क्योंकि ये जो गंजे होते हैं ना साहब, ये हमारे देश में 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्ण गंज, बिना पत्रे का मकान, जिनका पूरा मैदान ही साफ होता है। दूसरे होते हैं अर्धगंज, जिनका बीच का मैदान साफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल, इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे खाली बस में दोनों तरफ सवारियां लटक के जा रही हो, वो भी विदाउट टिकट।
ने ऊपर से इनके बड़े बड़े कान ऐसे लगते हैं जैसे कोई साइकिल पे दो दूध की टंकियां लटका के ले जा रहा हो। ये आनंद है साहब, हमारे घर के पड़ोस में एक चंपा लाल जी रहते हैं, उनकी खोपड़ी पे एक भी बाल नहीं, अब उनका 8 साल का पोता उनकी खोपड़ी पे ही ट्रक चला रहा। अब 5-7 मिनट तो दादाजी को आनंद आए, लेकिन जो ट्रक के छोटे छोटे पहिए होते हैं आधे इंच का, वो दादाजी को गड़ने लगे तो दादाजी जोर से चिल्लाए, क्यों रे क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं दद्दू, ट्रक चला रहा हूँ। बोले क्यों रे, ये कोई ट्रक चलाने की जगह है? बोले दद्दू दद्दू, ये मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा हाईवे जिस पे एक भी टोल टैक्स नहीं है। ये आनंद होते साहब, हम मस्ती में जीते। चार पंक्ति और सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि एक मित्र के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा मैं बोला नबीन रख दीजिए। एक वर्ष बाद दूजे पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा मैं बोला प्रवीण रख दीजिए। तीजा पुत्र हुआ तो वो मुझसे झगड़ पड़े, इसके नाम के पीछे भी बीन रख दीजिए। मैं बोला एक का नबीन, दूसरे का है प्रवीण, तीसरे का नाम सोयाबीन रख दीजिए। और मित्रों आज अनंत चतुर्दशी है, गणेश जी हमारे बीच में 10 दिन तक विराजमान रहे। और हालांकि देखो अभी तो हम फ्री हैं, 2 साल से मैं भी फ्री था, कई जगह तो मेरे पास भी बुकिंग आई थी कि गणेश जी की जगह आप खुद बैठ जाओ, खाली सूंड लगाना है। लेकिन क्या है साहब, स्थितियाँ ऐसी नियमित हो जा रही, गणेश चतुर्थी में जो माताएं बहनें हमारे बीच में विराजमान है, हड़तालिका तीज करती, रात भर जागेगी, और ये जागती तो पुरुष भी सो नहीं पाता है कोई कारण के, इनके भजन कीर्तन चलते हैं ना, उधर अपन जागो, गैलरी में जाओ तो बोलती चलो अंदर चलो, यहाँ क्या कर रहे हो? ये स्थिति। फिर अगले दिन जो है गणेश चतुर्थी, उसके बाद आती है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी आती तो आप जानते हैं कि माताएं बहनें जो है आजी झाड़ा नाम का एक पौधा होता है, उससे स्नान करती है। चार पंक्ति और सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। कि जिनके मुख से नजर नहीं हटती थी, आज वही चंद्रमा से मुख मोड़ रहे हैं। अरे जिनके मुख से नजर नहीं हटती थी, आज वही चंद्रमा से मुख मोड़ रहे हैं। और नित्य जिस हिरणी को हाय हलो बोलते थे, आज उसी हथनी के हाथ जोड़ रहे हैं। और सर को झुका के इलू इलू सदा बोलते थे, दीवारों से खुद का ही माथा फोड़ रहे हैं। और कहते थे चांद और सितारे तोड़ लाएंगे जो, वो जंगलों में जाके आजी झाड़ा तोड़ रहे हैं। वो जंगलों में जाके आजी झाड़ा तोड़ रहे हैं।